नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, अगर आप रोज मंडी के भाव के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। इससे किसान भाइयों आपको रोज मंडी के भाव के बारे में घर बैठे जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आज दिनांक 12 जून 2023, कैसा रहा प्याज का भाव? किसान भाइयों, अगर आवक की बात करें तो आवक आप देख लो, काफ़ी हद तक आवक धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ से देखेंगे पूरी, उधर पीछे तक भी देखेंगे तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं। किसान भाइयों, अगर आवक की बात करें तो ये 60,000 के कट्टों के आसपास कहीं ना कहीं मैंने ये व्यापारी भाइयों से पूछा है। 700 लग चुका है इसका और 22 कट्टे का लोड है। लिखो 7.5 लिखो यार, और साढ़े सात। किसान भाइयों, 800 रुपये में गया ये वाला माल और 22 कट्टे का लोड था। किसान भाइयों, ये जो 8 रुपए में गया किसान हमारे साथ में। अब यह क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या भाव किया प्याज आपका ये वाला? 8 रुपए। कितने कट्टे का लोड लेके आए थे? 22 कट्टे का लोड। ठीक, आठ सौ, साढ़े 800 लग चुका है। 9 कट्टे का लोड है भैया, 10 किसान भाइयों ये वाला, किसान भाइयों ये वाला गया है 1100 में। 38 कट्टे का लोड था, कहीं ना कहीं है गोल्टा गोल्टी, इसमें थोड़ा थोड़ा बीच में मोटा भी कहीं ना कहीं मिक्स है, लेकिन ज़्यादातर गोल्टा गोल्टी है वाला। 1150 किसान भाइयों, 1150 में डन हुआ ये वाला माल। क्या नाम है? शुभम यादव। कहाँ से आए? भुसगांव। क्या लेके आए थे? प्याज। प्याज क्या भाव गया प्याज आपका? 952 गया। 952 गया। कितने कट्टे का लोड लेके आए? 157 कट्टे। 157 कट्टे थे किसान भाई, और किसान भाई का माल जो है वो पेक हो गया और लोड में चला गया। 8.5 लग चुका है इसका, उल्टा गोल्टी है। 15 कट्टे का लोट है किसान भाइयों। ये किसान भाइयों ये वाला जो है, ये वाला माल गया है 1000 रुपये किलो। 400 इसका लग चुका है फिलहाल। 425 गया है किसान भाई, और 19 कट्टे का लोट है किसान भाई। 5.5 लग चुका है फिलहाल, अभी 700 रुपये में डन हुआ। 25 कट्टे का लोट था किसान भाइयों, ये 6 रुपये में डन हो गया किसान भाइयों ये वाला माल। और ये कितने कट्टे का लोट था? ये लोट बहुत अच्छा है, लोट है भैया 23 कट्टे का लोट। 7 इसका लग चुका है फिलहाल अभी तक किसान भाई। 25 कट्टे का लोट है और 7 रुपये के हिसाब से चला गया माल ये वाला, और कट्टे हैं 25 कट्टे का लोट। किसान भाइयों ये वाला जो उल्टा ये गया है 1051 में गया, और बढ़िया माल है एकदम शानदार, बांग्लादेशी जाएगा ऐसा लग रहा है वाला तो। 6.5 किसान भाई, 6.5 में डन हो गया है ये, और 25 कट्टे का लोट था ये वाला भी। ये देखिए तो लग चुका है इसका, और 22 कट्टे का लोट है। अरे लिखो 7.5 लिखो यार, और साढ़े सात। किसान भाई, 800 रुपये में गया ये वाला माल और 22 कट्टे का लोट था किसान भाई। ये किसान भाई 7 रुपये में डन हुआ ये वाला, और 24 कट्टे का लोट है किसान भाई। किसान भाई ये वाला भी गया है 700 रुपये में। 1000 किसान भाई, 50 रुपये। 1100 में डन हो गया किसान भाई, और 50 कट्टे का लोट था। 850 रुपये में डन हो गया भैया ये वाला। 800 रुपये, 34 कट्टे का लोट था किसान भाई। 625 में डन हो गया किसान भाइयों ये वाला माल। किसान भाइयों ये वाला जो माल है ये गया है 1000 रुपये, 1000 के हिसाब से माल बहुत अच्छा है, इस कट्टे थे कहीं ना कहीं। और ये वाला जो गया है ये 800 में गया है, कहीं ना कहीं दागी दिख रहा है देखो आप बीच बीच में इसमें। भाइयों अगर आज के प्याज की आवक की बात करें तो करीबन 60,000 के आसपास कट्टे थे, और गोल्टा गोल्टी में वापस हमको तेज़ी देखने को मिली है। गोल्टा गोल्टी 12 रुपये तक भी गया है, और हाईएस्ट अभी तक जो हमको देखने को मिल रहा है 13 रुपये के आसपास प्याज गया हुआ है। हाँ सेठ जी, क्या नाम है? विजय मंगोलिया। क्या गया आज प्याज व्याज में, क्या क्या रेट गया है? प्याज रेट गया भी है 12-12.5 रुपये बेचा है अपन ने। अच्छा 12, और मंडी में कितना गया हाईएस्ट कभी कुछ आइडिया हो? यही रेट है, यही है 13। मैं 13 देखा, मतलब 13 के आसपास बिका है। बिका 13 रुपये। अच्छा किसान भाइयों को आप क्या बोलना चाहेंगे, प्याज किस तरह से बेचना चाहिए उनको? क्या थोड़ा रुक के बेचना चाहिए, और क्या थोड़ा रुक के बेचना चाहिए तो तेजी आने की संभावना है कि नहीं? संभावना है। तो अभी धीरे धीरे गोल्टा गोल्टी में पिए तेजी बढ़ रही, तो कारण खुलने की वजह से क्या है कि बहुत अच्छी तेजी है। अच्छा 11 रुपये तक गोल्टा बिक रहा है। 11 रुपये तक बिक रहा है, ठीक है भैया। उसकी प्याज नहीं बिक रही है 11 रुपये, बाकी गोल्टा बिक रहा है। ठीक है भैया।